Now, earlier we have used certain terminology regarding atoms, molecules, colloids, solutions, suspensions. So we will be recapitulating these things, okay? And after that we will move. So what are atoms and molecules? Divided anymore. That is A plus tomio, means uncut. So the smallest entity of matter which cannot be further subdivided is called atom. Take another way. So smallest entity of matter, which smallest particle of matter which cannot further be divided. ठीक है, तो किसी भी चीज का अगर हम अपनी बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं एनाटॉमी ऑफ बॉडी, एनीथिंग विच इज डाइसेक्टेड. सो टोमियो मीन्स कट और ए टोमियो अनकट. सो विच कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड. देयर आर टोटल 118 टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट एंड 118th एटम कंटेन्स 118 प्रोटॉन एंड फर्स्ट एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. एम आई ऑडिबल रजत? रजत आवाज आ रही है? ओके, अभी आप दिल्ली में हैं? Note down these things. Okay, so atom is the smallest entity of matter which cannot be further subdivided. Next is, so there are 118 types of atom. Okay, starting from hydrogen to unoptium. UUO. सबसे पहला कौन सा है? फर्स्ट एटम इज हाइड्रोजन एंड द लास्ट वन इज अनऑक्टियम. ओके, सो दैट्स व्हाई दीज आर देयर एटॉमिक नंबर, बिकॉज दीज आर नंबर वाइज. सो एटम नंबर लाइक जर्सी होती खिलाड़ियों की, तो वन नंबर खिलाड़ी दूसरा नंबर खिलाड़ी, वैसे वन एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का हुआ और 118 किसका हुआ? अनऑक्टियम, UUO, यानी 118 वाले. तो टोटल कितने एटम हो गए? 118. सो एच इज कैसा होगा कि स्मॉलेस्ट एटम हैविंग 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. वाई अनऑक्टियम, that is UUO, is having, उसमें क्या होगा? 118 प्रोटॉन एंड 118 इलेक्ट्रॉन. तो अभी हमने देखा कि इसमें 1 प्रोटॉन होगा और साथ में 1 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन H में. और जबकि इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे तो लास्ट वाले में क्या होगा? 118 प्रोटॉन सम 250 न्यूट्रॉन्स, दैट वी विल सी लेटर ऑन हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर. ओके, एंड 118 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन. सो दीज 100 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑक्यूपाइड इन 7 ऑर्बिट बिकॉज इट इज इन 7th पीरियड. 7th रो में है कि नहीं?
तो सेवन ऑर्बिट उसकी ऑक्यूपाइड हो जाए। ओके, तो इस तरीके से इफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम आर कनेक्टेड टुगेदर, ग्रुप्ड टुगेदर, तो उसे क्या कहेंगे? तो अगर मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन या H2 गैस है तो वो एलिमेंट है, क्योंकि उसमें सारे एटम किसके होंगे? ए मैटर, एनी मैटर विच कंटेन्स ओनली ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम्स या उसके आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन है, उसमें हाइड्रोजन में प्रोटियम हो जाए, ड्यूटीरियम हो जाए, ट्रिटियम हो जाए, हाइड्रोजन के सब आइसोटोप्स होते हैं कि नहीं? तो हाइड्रोजन में कोई भी, दैट इज एनी अमाउंट ऑफ मैटर विच कंटेन्स ओनली ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड, सही है, लिखो इस बात को, एनी सैंपल ऑफ मैटर विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, वन काइंड ऑफ एटम्स और इट्स आइसोटोप्स, या फिर इसके आइसोटोप्स हैं, इज कॉल्ड एलिमेंट एज देयर आर 118 टाइप्स ऑफ एटम्स। सो देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स? 118 एलिमेंट, बिकॉज दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ 118 एलिमेंट्स ओनली। ओके, सो एज देयर आर 118 टाइप्स ऑफ एटम, सो देयर आर 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि अगर आपको अल्फाबेट्स बाजार में रख के बेचने हो, ए बी सी डी, तो ए की एक अलग टोकरी बनाओगी, बी की अलग बनाओगी, सी की, तो 26 टोकरी चाहिए कि नहीं? तो वो जो टोकरी है वो एलिमेंट है। अब उसमें से एक निकाल लो अल्फाबेट, तो वो एटम हो गया। बात समझ आ रही? जैसे कि अगर ये जरूरी नहीं है कि एटम सिंगल हो, मोनोएटॉमिक हो, मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, जैसे हीलियम है, उसे अकेला रहना पसंद है। ये जो 18th ग्रुप के हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसी तरह से क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन या अननॉक्टियम, हीलियम का ज़ेरॉन, ये जो लास्ट ग्रुप वाले हैं, इनको अकेला रहना पसंद है, दीज आर मोनोएटॉमिक। तो अगर ये एक किसी कंटेनर में सारे हीलियम के हैं, तो आप कहोगे ये इसमें कौन सा एलिमेंट भरा हुआ है? हीलियम। तो हीलियम गैस जो भरी है, नाउ इट इज इन एलिमेंटल फॉर्म। हाउएवर, हीलियम गैस इज इन एलिमेंटल फॉर्म, ऐसा बोलोगे, क्योंकि यहां सब उसी के टाइप के हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एच जो है वो एच टू के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन गैस कैसे होती है बताओ? एच टू। तो यहां पर कहेंगे हाइड्रोजन गैस, यद्यपि वो डाइएटॉमिक है, तो इट इज डाइएटॉमिक, देन ऑल्सो इट इज प्योर एंड कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, सो एच टू इज इन एलिमेंटल फॉर्म। हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में होगी? हाइड्रोजन गैस इज इन एलिमेंटल फॉर्म। और यहां पर क्या हो गया? हीलियम गैस इज इन एलिमेंटल फॉर्म। और ये हो सकता है, मान लीजिए जैसे आपके पास प्योर कॉपर हो, तो प्योर कॉपर है तो उसमें सारे किस चीज के एलिमेंट्स होंगे? या प्योर प्योर सल्फर हो, या प्योर आयरन हो, जैसे सल्फर हो गया प्योर सल्फर, तो प्योर कॉपर हो गया, ये प्योर आयरन है, तो आयरन का ये फाइलिंग्स है, ठीक है कि नहीं? सो यहाँ पर आप कुछ भी देख लें, दीज आर इन एलिमेंटल फॉर्म्स। ओके, हाउएवर कॉपर इज हैविंग ए सर्टेन काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट, ऐसा होगा कि वो सिर्फ गैस नहीं है, उसके जो एटम्स होंगे, दीज आर हैविंग ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। कॉपर के एटम तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि कॉपर फ्लूइडिटी में होगा,
वो तो एक सॉलिड फॉर्म में होगा ना, तो भी है तो एलिमेंटली ना, क्योंकि उसमें सारे एटम किसके हैं, कॉपर के हैं। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि कॉपर एक एलिमेंट है। क्या वाटर को आयुष आप एलिमेंटल फॉर्म में कहेंगे? बोलो क्यों? H2O है, बिकॉज उसमें दो तरीके के एटम हैं, तो इसलिए वो एलिमेंट नहीं हुआ। बोलो बात समझ में आ गई? सो इसलिए कॉपर इज एलिमेंट। अब जरा देखो नाउ व्हाट डज इट मीन बाय मॉलिक्यूल्स। ये तो एटम हमने देख लिया और एलिमेंट भी देख लिया, तो अगला डेफिनेशन क्या आया उसमें? मॉलिक्यूल। सो व्हेन एटम्स ऑफ वन काइंड और डिफरेंट काइंड कंबाइन ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल। सो वेरियस काइंड्स ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड और डिफरेंट काइंड व्हेन गेट केमिकली बॉन्डेड। कैसे बॉन्ड किए जाएं? केमिकली बॉन्डेड देन फॉर्म मॉलिक्यूल। मेरा कहने का मतलब है H2 क्या एक एटम है? एटम नहीं, तो H2 भी मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो अब ये मॉलिक्यूल कैसे बना? क्या जो H एटम है उस H एटम के सेंटर में एक प्रोटॉन है और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है क्या? बोलो, अभी बताया वहां। अच्छा, दूसरा H एटम है उसमें भी क्या है? एक प्रोटॉन है और बाहर में क्या है? जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? दो इलेक्ट्रॉन की। तो ये दोनों कहेंगे H एटम कि हम दोनों इतने करीब आ जाए कि एक दूसरे की ऑर्बिट सुपर पोज हो जाए या ओवरलैप हो जाए। तो अब अगर मान लो एक ऑर्बिट है और ये दूसरी ऑर्बिट है और ये सुपर पोज हो जाए, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए कि नहीं, और ये वाला इधर आ जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी भी ऑर्बिट में डुप्लेट बना देगा और इसकी भी ऑर्बिट में, तो क्या दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए? इट इज ए काइंड ऑफ शेयरिंग व्हेन ऑर्बिट ओवरलैप्स, सो बोथ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अज्यूम्ड बाय ईच ऑफ द कंबाइनिंग एटम। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया? क्या ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है? सो यहाँ लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये H एटम्स है, लेकिन ये तो मॉलिक्यूल हो गया ना, तो ये क्या हो गए? H एटम्स। और यहाँ नीचे क्या लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय किसकी वजह से? जो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही केमिकल बॉन्ड है, जो मैंने बात कही ना कि केमिकल बॉन्ड। तो आप कहेंगे ये क्या चीज है केमिकल बॉन्ड? सो व्हेन एटम गेट कंबाइंड बाय केमिकल बॉन्ड, तो जब मैं कह रहा हूं बाय केमिकल बॉन्ड का मतलब है बाय शेयरिंग ऑफ और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाय शेयरिंग तो समझ गया कि नहीं, तो ये फिर H2 क्या हो गया यहां पे? बोलो, या मॉलिक्यूल हो गया। सो क्या H2 इज ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि उसमें सभी एटम सिंगल काइंड के हैं? यहां देखा आपने कि नहीं? तो H2 क्या है बताइए? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, अगर एक से ज्यादा काइंड के एटम एक साथ मिल जाएं तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जरा वो भी देख लें, मॉलिक्यूल एलिमेंट में भी होते हैं और मॉलिक्यूल कंपाउंड में भी होते हैं। जरा देखें ऑक्सीजन में क्या क्या होता होगा? क्या सेंटर में एक प्रोटॉन होते होंगे और एक न्यूट्रॉन होते होंगे और आउटर ऑर्बिट में क्या होते होंगे? क्या एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, टू इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में कितने होते हैं? सिक्स इलेक्ट्रॉन। तो 2-6 इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2-6। ओके, नाउ
अब ये जो 2-6 है, इस ऑक्सीजन में इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ वही दिखाई जाए. इफ वी आर शोइंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई डॉट्स ओवर द सिंबल ऑफ एटम और एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर. इसको क्या कहते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर. तो हमने ये क्या बना दिया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किया. सो इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शोन एज डॉट्स, डॉट्स में दिखाए जाए और एज फार एज पॉसिबल इन पेयर, जोड़े में भी दिखाए जाए, एंड इन पेयर्स, देन ओवर सिंबल ऑफ, किसके सिंबल पर? ओवर सिंबल ऑफ एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर. तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया. अच्छा, एच में कितने होते हैं? क्या एक होता है? और एक और एच में क्या होगा? क्या एक होगा? अच्छा, अब देखो इसके सिक्स दिखा दिए, बोलो ये सिक्स है. हाँ. तो अब ये एच कहेगा कि तुम मुझे एक अपना दे दो तो मेरे डुप्लेट पूरा हो जाए, मेरी तो एक ही ऑर्बिट है. तो ये एच कहेगा आप भी मुझे एक दे दो तो मेरा भी हो जाए. उसने कहा ठीक है तुम लोग ले लो, लेकिन अब तुम भी अपना एक एक मुझे दो. तुमने मुझसे एक लिया, आप एक टिफिन सामने रखो, हम एक टिफिन सामने रखें, दोनों टिफिन आपका भी है, दोनों टिफिन मेरा भी है. तो मेरे में डेफिशिएंसी एक थी, तुम्हें में डेफिशिएंसी थी, तो एक एक रख दो. अगर दो की डेफिशिएंसी तो तुम दो रखो, हम भी दो रखेंगे, फिर वो सबकी होगी. बोलो जितने की कमी है उतने आपको शेयर करने पड़ेंगे, तब तो दूसरा शेयर करेगा कि नहीं करेगा. बोलो बात समझ आ गई? तो ये जो चीज है ये क्या बन गई? जैसे हमने यहाँ पर बनाया H2 में, तो क्या किया? बोलो H का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये था और दूसरे H का क्या था? तो इसको N सर्कल कर लिया, एक एटम विद डुप्लेट और दूसरा एटम विद डुप्लेट. इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है? काउंट करो, एट इलेक्ट्रॉन और एक सिंबल है, इसमें डुप्लेट है एक सर्कल में. तो ये चीज हो गई, जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको हाइफन से, सिंगल हाइफन से शो किया जाता है या सिंगल डैश से, या इसे H2 लिखा जाता है. ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2. और ये क्या बताइए? बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ H2. और ये क्या है बताइए? मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ H2. अच्छा, अब इसको मैं कैसे बनाऊं? इसको शो किया जा सकता है HOH, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो दिखा दो, वो नहीं भी दिखा सकते. तो H2O बन गया कि नहीं? तो ये जो चीज है H2O क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ भाई, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, कंपाउंड है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, चलो लिखो इसको. सो दिस इज H2O, इसे लिखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. जबकि H2 क्या है? क्योंकि उसमें एक ही काइंड के एटम है, तो क्या कहा जाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. चलो, सो अब आगे की बात करें. Okay.
कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ? तो कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो भाई ये केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ? The bonds formed between two atoms, same हो सकते हैं different, either by sharing साथ में जुड़ जाएं और by transfer of electron, is called chemical bond. Chemical bond समझ में आ गया? The bond formed either by sharing or transfer of electron is called chemical bond. Chemical bond results in formation of, इस sentence को बताओ, क्योंकि chemical bond बनेगा तो क्या होगा, molecule बन सकता है, बना कि नहीं बना? तो chemical bond दो तरीके के हैं, कौन कौन से हैं? एक covalent bond और दूसरा कौन सा है? covalent बॉन्ड और दूसरा है आयनिक बॉन्ड. ओके, कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड्स फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड्स फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये क्या है बताइए? बॉन्ड्स फॉर्मड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड्स फॉर्मड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जरा देखो कि कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन के जगह दो इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो जाते हैं. जैसे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के आउटर में कितने हैं बताइए? उसको कितने की कमी है? टू की कमी है. तो वो इस वाले से दूसरे ऑक्सीजन से कहेगा आप मुझे दो दे दो अपने. तो कहेगा ठीक है तुम भी दो बीच में रखो, हम भी तो तुम्हारे दो लेंगे. हम ऐसे तो देंगे नहीं, शेयरिंग करेंगे. तो ये इसको कहते हैं डबल बॉन्ड. क्या इस सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन हो गए? हाँ जी. और इस सर्कल में भी एक इलेक्ट्रॉन हो गए. तो ये जो बॉन्ड बना अब इसको कहेंगे डबल बॉन्ड. तो ये डबल बॉन्ड हो गया. और ऐसे नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में कितने होते हैं? फाइव. तो थ्री की कमी है. ये क्या करेगा? तीन याद रख लेगा. और दूसरा वाला भी क्या करेगा? तीन. क्यों कहेगा? मुझे तीन चाहिए. तो उसने कहा ठीक है आप भी तीन रखिए, हम भी तीन रखते हैं. तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया क्या? और इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया. तो इससे क्या बन गया? एन ट्रिपल बॉन्ड एन. बाकी ये चाहे तो आप दिखा सकते हैं. जिन्होंने शेयरिंग नहीं की उनको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अकेले रहेगा. जिन्होंने शेयरिंग की उनको कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिसने शेयरिंग की तो इसमें कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? छह. तो ये सब क्या हो गए? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये क्या हुआ? अकेला ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इससे क्या बन गया? N2 बना. और इससे क्या बना? तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो तीन तरीके का हुआ. सिंगल बॉन्ड जिसमें एक है लाइन और जिसमें दो है जिसमें तीन. तो इसमें कितने टाइप हुए? थ्री टाइप हो गए. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. फिर भी अभी हमने केमिकल बॉन्ड आधा देखा है, हमने शेयरिंग तो देख लिया, बट वी हैव नॉट सीन इट बाय पर्सपेक्टिव ऑफ आयनिक बॉन्ड. सो लेट अस सी आयनिक बॉन्ड. दिस ऑल वाज कोवेलेंट बॉन्ड. सो आप कहीं लिख सकते हैं इसमें दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड. और हाई स्कूल में हमने पढ़ाई है टेंथ में कि सिंगल का डबल का ट्रिपल तो देख ही लिया. अब देखो आयनिक बॉन्ड है ये बॉन्ड. ये जो चैप्टर ये जस्ट एक रिवीजन का चैप्टर जो हमने पहले पढ़ा. सो जैसे सोडियम, सोडियम में क्या है? 281. और क्लोरीन में क्या है? 287 है 17. तो 287
17 होता है, 17 रूप का सेकंड है, फूटे कुल्लड़ बरात आई, 17, ठीक है, उसमें का है। अब जरा देखो, जो सोडियम है इसका ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ ये देखिए 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 1 है, जबकि क्लोरीन में क्या होगा 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये कहेगा कि मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम्हारा अंदर का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और मेरा ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो ये इसको दे देता है। तो सोडियम क्या करता है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। अगर ये इसको एक दे दे, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, उसका क्या इफेक्ट होगा, Now the sodium is left only with two occupied shells and chlorine is having three shells and third cell में octet है उसका। ये देखो sodium की ये स्थिति हो जाएगी 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 evenly spaced। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे और कितने प्रोटॉन बचे, 11 प्रोटॉन तो सेंटर में, सेंटर में तो कुछ शेयर नहीं किया ना, तो सोडियम पे नेट चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 2-8 का हो जाएगा क्या, जो कि ये नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाएगा नोबल गैस के। अब ये देखो क्लोरीन ने क्या किया, 2-8-8 हो गया। नाउ आपको बेटा क्या नाम है, दिव्यांशी, ये बताइए कि क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन, सही है, सो 18 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन, तो बताइए इसमें नेट चार्ज क्या रखा, क्लोरीन नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक एक्सेस प्रोटॉन है, सो ये चीज हो गई, ओके। नाउ सोडियम हैज डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन को घर से निकाल दिया, बोला तुम कहीं भी जाओ हमें अपना ऑक्टेट पूरा करना, हमें नहीं मतलब कहाँ जाते हो, जाओ कहीं भी जाओ, तो इसका 2-8-1 था, एक निकल गया तो कितना बचा, वो इलेक्ट्रॉन अब गया, पूछा किसी को मेरी जरूरत है, तो एक ने कहा हाँ हाँ हमें तो जरूरत थी तुम्हारी, तो इसके पास चला गया, तो इसने इसको अपनी आउटर ऑर्बिट में कहा कि घर के बाहर रहो, चौकीदारी करो, तो दैट इज 2-8-8 हो गया, बोलो। तो ये चीज हुई है, अब इन दोनों को जोड़ दो तो आप देखेंगे कि Na और Cl ने मिलकर ये बना दिया, तो Na था, Na और प्लस Cl और प्लस C लिखे, और उधर क्या लिखे, Na प्लस और Cl माइनस और प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे ही तो दिया, फिर इसके बाद क्या होगा, ये दोनों पास आ जाएंगे, इनके बीच में एक तरीके का अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, चार्ज होता है जब अपोजिट, उनके बीच अट्रैक्शन होता है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा, दैट इज कॉमन सॉल्ट, बोलो बात समझ में आ गई, दैट इज NaCl। तो ये किस तरीके का बॉन्ड है, क्या ये कंप्लीट ट्रांसफर से बना है, तो ये बॉन्ड ऐसा है जिसमें कि क्लोरीन ग्रीन कलर की गैस होती है और सोडियम कैसा होता है, ग्रे कलर का, और क्लोरीन ग्रीन कलर की है, तो एक क्लोरीन एक सोडियम, एक क्लोरीन एक सोडियम, ये अल्टरनेट है और बस अपनी जगह है, सो ये रॉक सॉल्ट है, जिस कॉमन सॉल्ट को पाते हैं, खड़ा नमक देखा है आपने, नहीं देखा, खड़ा नमक बिल्कुल ऐसे, ओके। तो यहाँ हमने क्या देख लिया बताइए, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। अच्छा अब जरा देखिए कि जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं
उसके कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, मतलब उसने ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं यहां कौन बैठे हैं आयनिक बॉन्ड बोलो, इसके कंस्टिट्यूएंट्स आयन होते हैं, कौन होते हैं Na प्लस Cl माइनस, इसमें कौन बैठे हैं यहां पे आयन्स, जबकि इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है O2 के एटम्स, सो कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स आर एटम्स, जबकि कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आयनिक बॉन्ड्स आर कैटायन्स एंड एनायन्स, सोडियम का कैटायन है Na प्लस और Cl माइनस का बोलो, बात समझ में आई, ये बात लिख लें, लिखो इस बात को, दैट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, देखो वो भी कंपाउंड ही होगा और नहीं होगा तो कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे H2 है, बट जनरली तो कंपाउंड ही होते हैं सबसे ज्यादा ना, प्योर कहां कोई चीज मिलती नहीं, सो जनरली कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर, समझ में आई बात आपको, तो दीज आर एटम्स, या तो उसमें जगह जगह पर एटम बैठे होंगे और नहीं तो O2 को अगर सॉलिडिफाई करोगे तो जगह जगह O2 बैठे होंगे, तो कंस्टिट्यूएंट का मतलब है वो किससे कंपोजिशन उसका होगा, तो या तो यहाँ एटम एटम बैठे होंगे और अगर उन्होंने बॉन्ड बना लिए तो कहेंगे O2 ने कि हम यहाँ बैठे हैं तुम यहाँ बैठो, हर O2 आपस में बंध गए, वो कह रहे जैसे दो दो आदमी जैसे बरात शादी बरात में जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ एक चेयर पे बैठ गए, दूसरा दूसरे सजी है चेयर बिल्कुल एक लैटिस की तरीके से ऑर्डर्ड वे में और सब अपने अपने ग्रुप के साथ बैठे हैं, तो इन्होंने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया ना, तो इसके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल हुए और दूसरा वाला मॉलिक्यूल तीसरा वाला मॉलिक्यूल, बोलो बात समझ आ गई, तो इसलिए कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मोस्टली जो होते हैं वो कौन से होते हैं मॉलिक्यूल ही होते हैं, O2 O2 बैठा है, N2 N2 बैठा है, हाँ H2O है, आपको मालूम है जैसे आइस होती है आइस के हर लैटिस पॉइंट पे H2O बैठा है, वो अलग हो ही नहीं सकता, उड़ेगा भी तो H2O ही उड़ेगा, उसका भी वेपर लोगी तो पानी तो अंदर जाएगी कि ऑक्सीजन अलग जाएगी हाइड्रोजन अलग, तो वो गैस में भी H2O है सॉलिड में भी H2O है लिक्विड में भी H2O है, तो बताओ उसका कंस्टिट्यूएंट क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, सही है, दीज आर मॉलिक्यूल्स, किसी किसी में जैसे मैंने हीलियम का बताया है तो हीलियम के केस में बस एटम मोनोटॉनिक, नहीं तो सब जगह क्या होगा मॉलिक्यूल ही होगा, जैसे मैंने बरात का एग्जांपल नहीं दिया कि जैसे ग्रुप बना बना के लोग बैठ जाते हैं वैसे, और जबकि कंस्टिट्यूएंट ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होता है आयन, करेक्ट, सो कंस्टिट्यूएंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर आयंस, वो कौन हो सकते हैं एन आयंस हो सकते हैं एन कैटायंस हो सकते हैं, ये तो बात हमने आपको बता दी कि मॉलिक्यूल क्या होता है, नाउ इसको अब हम किसी दूसरे फ्लो चार्ट से देखें कि मॉलिक्यूल वास्तव में होता क्या, इसकी जगह केमिस्ट्री में कहां है, तो जरा देखिए कोई भी मैटर दो तरीके का है, कौन सा हो सकता है आयुष ऑन बेसिस ऑफ इट्स प्योरिटी, वैसे तो मैटर को ऑन बेसिस ऑफ इट्स कलर दिखाया जा सकता है कंडक्टिविटी भाई नॉन कंडक्टर इंसुलेटर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के हिसाब से, लेकिन प्योरिटी के हिसाब से दो तरीके हैं या तो प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर, जैसा कि नाइन्थ में पढ़ा है, तो ऑन बेसिस ऑफ प्योरिटी मैटर को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एग्रीगेट से देखो तो वहां पर ये बात लिखी हुई है, अगला पेज खोलो थर्ड पेज, ठीक है, सो ऑन बेसिस ऑफ प्योरिटी मैटर कैन बी सब डिवाइडेड इंटू On basis of purity, it can be subdivided into pure substance और दूसरा कौन सा है मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेज आर those substances which are made up of single kinds of particles,
प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर मेड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्ट, जरा देखो ये मेरे पास वाटर बना है और इसमें बहुत सारे H2O हैं, तो क्या मैं इसे प्योर सब्सटेंस कह दूं? देवान दिव्यांशी ना बेटा, हाँ जी, हाँ बोलो, किन्ना कहूं? मिक्सचर, बोलो आयुष, सो इसमें इसे प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा H2O को, क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये पार्टिकुलेट है, ये जब कभी किसी चीज के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो वो उसका पार्टिकल नेचर, उसके पार्टिकल H2O ही हैं, फिर उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे चीनी है या ग्लूकोज है तो C6H12O6 उसका एक पार्टिकल है, जब आप उसे ब्रेक करोगे ऐसे ब्रेक करने से एटॉमिक फॉर्म नहीं आ जाएगा। आप क्या समझते हो, ग्लूकोज को ज्यादा पीसोगे तो काला पार्टिकल कार्बन हो जाएगा, बना तो सी से ही है, या फिर उसकी हाइड्रोजन उड़ जाएगी और ऑक्सीजन उड़ जाएगी, ऐसा हो पाएगा कभी? आप किसी मॉलिक्यूल को एटम में ऐसे नहीं बदल सकते, उसको बदलने के लिए केमिकल प्रोसेस है और भी न जाने कैसे प्रोसेस है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो अलग अलग टेक्निक है। लेकिन पार्टिकुलेट करने पर आप देखोगे वो सब ग्लूकोज के ही पार्टिकल है, समझ गए? और वाटर में किसके पार्टिकल है, भले ही वो मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो। अब मॉलिक्यूल एलिमेंट के भी हो सकते हैं, कंपाउंड के भी हो सकते हैं, H2 का भी हो सकता है, H2 का, लेकिन पार्टिकल तो सारे H2O के हैं। अब उसमें नमक मिला दो तो आप कहोगे दो काइंड के पार्टिकल, मिक्सचर में डालो, समझ में आई बात ही नहीं, लेकिन नमक नमक में सारे NaCl के पार्टिकल हैं, तो वो भी प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं कि अगर उस चीज को तुम यहाँ टेस्ट करो, उसकी ऑर्डर लो, उसका टेक्सचर समझो, तो यहाँ करो या मंगल ग्रह पे करो या जुपिटर पे करो, मार्स पे करो, कहीं पे भी जाके करो, प्लूटो में एक ही जैसा टेस्ट आए, कह दो हाँ ये प्योर है, प्योरिटी कहीं भी जांची जाए तो कहा ये तो प्योर वाटर है, समझ आई बात नहीं? तो क्या चीज भी बताइए, वन काइंड ऑफ पार्टिकल H2O प्योर है। एग्जाम्पल, क्या CO2 को प्योर कहेंगे? क्योंकि CO2 एटमॉस्फेयर में जहां भी है तो उसके पार्टिकल CO2 है, तुम CO2 गैस इकट्ठी कर लो और CO2 गैस को पानी में मिलाओ, वो जैसे वो नहीं लेमन सोडा बनाता है तो CO2 का सिलेंडर है, मिलाता है थोड़ी चाशनी मिलाता है, नींबू निचोड़ता है, तो वो जो सिलेंडर में भरी हुई है वो CO2 है और उसके सारे पार्टिकल CO2 है, बोलो बात समझ में आई? तो CO2 को क्या आप प्योर सब्सटेंस कहेंगी? क्या आप ग्लूकोज को प्योर सब्सटेंस कहेंगी? बताइए, कहेंगे ना? NaCl को भी कहेंगे। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं इन्हीं को कहें, कुछ ऐसी एलिमेंटल फॉर्म है कॉपर तो भी प्योर है, पार्टिकल है इसमें कॉपर ही है, तो किसको भी कह सकते हैं, कॉपर को कह सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अच्छा, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। चलिए, नाउ दे कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड, देखो उसमें लिखा है कि नहीं, प्योर सब्सटेंस के क्या दो फॉर्म लिखे हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, जिसके पार्टिकल सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम के मिलकर बने हुए हों, ये एलिमेंट है। सो इट इज एलिमेंट एंड अदर इज कंपाउंड। सो पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट आर नेम ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, इसमें हीलियम भी आ सकता है, H2 भी आ सकता है, N2 भी आ सकता है, ये सारी गैसेस हैं कि नहीं, और नहीं तो मेटल भी तो आ सकते हैं, कॉपर, आयरन, ये सब भी तो आ सकते हैं, सभी एलिमेंट ही है। अब वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो, चाहे मेटल हो, ऑर्डर्ड एलिमेंट हो या मोनो एटॉमिक हो, सब आ सकते हैं। लेकिन कंपाउंड क्या है, हूज पार्टिकल्स, कंपाउंड का क्या मतलब है, हूज पार्टिकल आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू काइंड ऑफ एटम, या मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, सीधा बोल दो, मोर देन वन तो टू ही होता है। सो इट्स पार्टिकल्स
ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, तो उसे क्या कहेंगे बताइए? कंपाउंड। ठीक है, अब जरा देखिए कि जो एलिमेंट है, अभी तक हम कहां पे पहुंच गए? एलिमेंट एंड कंपाउंड। कंपाउंड का कोई एग्जांपल है आपके माइंड में? H2O, NaCl, C6H12O6, एलिमेंट का। देखो एलिमेंट तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो ये मेटल होगा, या क्योंकि 118 एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ मेटल है, 91 मेटल, 17 नॉन मेटल है, 7 मेटलॉइड्स, सब नॉन मेटल, और बीच में क्या हुआ? मेटलॉइड्स, या उसे कहें सेमी मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप खूब जानते हैं, जिसमें लस्टर होती है, डक्टिलिटी होती है, मैलिबिलिटी होती है, शाइन होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, बियरिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लोड बियरिंग स्ट्रेंथ, वो सारे मेटल होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? फ्रेजाइल होते हैं, इनमें बहुत सारे तरीके के कलर होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, ऐसे ऐसे कलर होते हैं बहुत सारे नॉन मेटल, कार्बन काला हो गया, फॉस्फोरस जो मैच स्टिक में आगे रिटर्न लगा रहता है, तो ऐसा होता है। अच्छा, सेमी मेटल्स क्या होते हैं? जिनमें थोड़ी प्रॉपर्टीज मेटल की होती है और थोड़ी प्रॉपर्टीज किसकी होती है? नॉन मेटल्स की। जैसे ये है, ये सारे के सारे, जैसे बसी जी आज सब को देखो, पहले सी जी आस सब टी ओ, तो ये जो सीढ़ी बन गई ना, ये सीढ़ी किसकी है? मेटल। तो ये जो सीढ़ी बनी है हमारी बसी दिया सब की, हम ये समझ आ गई बात? दिस इज मेटलॉइड, और इसके इधर के सारे मेटल और उधर के सारे नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। ठीक, तो इस तरीके से मेटलॉइड्स के बारे में लिख रहे हैं, इसके 7 ही हैं। कौन कौन से हैं? बसी जियास सब पीपो, दैट इज निमोनिक्स लिख लो, बसी जियास सब पीपो, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक स्टबियम एंटीमनी टेलुरियम पोलोनियम, देयर आर 91 मेटल्स एंड 17 नॉन। दिवास नंबर आ गई। अब हम देखेंगे मिक्सचर क्या होता है। So mixtures are when two or more pure substance are mixed, intermixed in varying composition. ठीक है, तो मिक्सचर बनाते हैं। उससे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि सर आपने कंपाउंड तो बताया नहीं, कंपाउंड आखिर होते क्या, कुछ तो बताओ कंपाउंड के बारे में, ऐसा आप जानना चाहेंगे? आप तो कुछ भी नहीं बता रहे, यही तो बोलेंगे, तो ठीक है कुछ बता देते हैं, होते क्या है कंपाउंड? सो कंपाउंड के बारे में लिख लो, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड केमिकली कंबाइन, then
दे फॉर्म कंपाउंड. जैसे मान लो H2 है और H2 के साथ O2 है, ठीक है, तो ये H2 है और O2 है और H2 है. इन लोगों ने आपस में ऐसी टक्कर मारी, कोलिजन हुआ कि इनके खुद के बॉन्ड टूट गए. अब खुद के बॉन्ड टूट गए तो मिला के इन्होंने ऐसा बॉन्ड बना लिया H2, और इन्होंने ऐसा बॉन्ड बना लिया H2. अब फिर ये कैसे बन गए? H O H ऐसे ही तो बना था पीछे, ये दोनों तरफ H थे, बीच में क्या था? तो यहाँ भी H के चार एटम है, यहाँ भी H के चार एटम है. तो यहाँ इसका मतलब है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 लिए गए. तो टू मॉलिक्यूल्स अगर H2 के हों और एक O2 के हों तो वो रिएक्शन करके क्या बना देंगे? कितने H2O के बना देंगे? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. तो क्या एलिमेंट्स में एक फिक्स्ड रेशो में केमिकल रिएक्शन की? H2O पीछे देखिए ना, दो H थे बीच में होता कि नहीं था? आगे हो, ये जो है कंपाउंड बन गया. तो H और O ने किस फिक्स्ड रेशो में केमिकली कंबाइन किया कि कंपाउंड बना, बताओ? 2:1, दो H पे एक है, तो क्या यही फिक्स्ड रेशो नहीं है? कोई कह दे मैं तो H3O से वाटर बना दूं, तो क्या सच बोल रहा है कि वो आपको धोखा दे रहा है? सच नहीं बोल रहा है, क्योंकि H3O से कैसे बना देगा, है ना? CO3 से CO2 तो नहीं बन सकता, उनकी प्रॉपर्टी ना, हो सकता है CO3 बनता ही ना ऊपर, ये भी तो हो सकता है. फिक्स्ड रेशो तो 2:1 का रेशो है. अच्छा, द कंपाउंड फॉर्म इज हैविंग एंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टी देन द कंबाइनिंग एटम्स. जैसे H2 H2 एक हाइड्रोजन फ्यूल है जिससे रॉकेट चलाए जाते हैं और स्पेस शिप मूव करते हैं. फ्यूल है ये, H2 क्या है? फ्यूल है. और ये मुझे बताओ कि किसी चीज को जलाना है तो क्या ऑक्सीजन की जरूरत है? ज्यादा ऑक्सीजन डाल दोगे तो और जलेगी, ऑक्सीजन कट ऑफ पर तो कुछ नहीं जलेगा. तो ये क्या है? क्या ये हेल्प्स इन बर्निंग है? ये आग है और ये हेल्प्स इन बर्निंग है. हेल्प्स इन बर्निंग. और ये देखो, इन दोनों को मिला के चीज ऐसी बनाई जो आग बुझाने वाला है, फायर एक्सटिंग्विशर. वो लोग क्या कमाल की बात. तो इससे क्या साबित नहीं होता कि जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी इनसे इनसे नहीं मिलती? मिक्सचर में हो जाती है. मिक्सचर में जैसे मैं दो प्योर सब्सटेंस मिला दूं, वाटर में ये मिला दूं ग्लूकोज, तो वाटर का गीलापना भी आएगा और ग्लूकोज का मीठापन भी आएगा. द स्वीटनेस ऑफ ग्लूकोज विल बी देयर. मिक्सचर की बात कर रहा हूं, जब प्योर सब्सटेंस मिलाओगे तभी तो मिक्सचर बनेगा. तो क्या ग्लूकोज की मीठापन खो जाएगी जब बनाओगे? नहीं खोएगी ना. जैसे यहाँ पे शरबत बनता है गुरुद्वारे में, तो जो शरबत बनता है तो क्या उसमें रुआबजा का खो जाता है? नहीं खोता है, मीठापन भी नहीं, पानी का गीलापन भी नहीं खोता है. और थोड़ी नमक भी डाल दो तो नमकीन पना भी नहीं खोएगा, सॉल्टनेस. तो मिक्सचर कंटेन्स ऑल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. जैसे तुमने मिक्सचर खाया तो उसमें गाठिया का भी मजा है, कुरकुरे पड़ा तो उसका भी मजा है, उसमें हर चीज जो पड़ी उसका आप टेस्ट लोगे. लेकिन क्या ऐसा कंपाउंड में है कि नहीं है? सो कंपाउंड डज नॉट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग एटम कंस्टिट्यूएंट एटम. बोलो बात समझ आ गई? ये लिखने लायक बात. सो इट इज फायर एक्सटिंग्विशर. सो दैट इज वर्दी टू बी रिटन. तो हम इसे लिख लें. जबकि मिक्सचर में क्या होता है बताओ? क्या होती है? जो जो डालोगे हर एक चीज की प्रॉपर्टी होगी. रजत बात समझ में आई? ओके, तो हम लोगों ने देख लिया. सो कंपाउंड कंटेन्स, कंटेन नहीं करता, कंपाउंड डस नॉट कंटेन प्रॉपर्टी ऑफ. किसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है? कंबाइनिंग, कंबाइनिंग
सब्सटेंस उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाओ तो क्या अमोनिया बन जाएगा? ये देखो बना कि नहीं। तो कभी कभी ये टॉयलेट में इसकी स्मेल आती है जैसी बन जाता है, और एन टू एटमोसफियर में कभी स्मेल आती है क्या? हाइड्रोजन गैस की कभी आती है? तो ये बिल्कुल एंटायरली नहीं, और ये पॉइजनस गैस भी है। तो इनके इनके मिलाने से कंपाउंड बना, और जिसमें एन इज टू एस का रेशो क्या है बताइए, फिक्स्ड है कि नहीं? फिक्स्ड रेशो में बना, एंटायरली न्यू रेंज है, पॉइजनस है। एन टू तो खूब हम सांस लेते हैं, कुछ होता है क्या? एस टू से भी कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से जो हमारे पास दो चीजें हैं, एलिमेंट और दूसरा क्या है, कंपाउंड। सो इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, इट कंटेन्स, इसमें क्या होगा, मोर देन ठीक है, व्हेन मोर देन वन काइंड ऑफ एटम केमिकली कंबाइन, इन फिक्स्ड रेशियो, देन कंपाउंड इज फॉर्मड। ठीक है, तो मॉलिक्यूल एक तरीके का नाम होता है, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने हो सकते हैं एलिमेंट, 118 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जबकि कंपाउंड्स तो लाखों हैं, देयर आर अनलिमिटेड। क्या 26 ही अल्फाबेट होते हैं? ये इतनी मोटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कैसे बन जाती है भाई? तो 26 ही, लेकिन वो उससे मिल रहा है तो कभी वो उससे मिल रहा है, कहो कितनी मोटी बना दो, तो अनलिमिटेड हुए कि नहीं है 26 ही अल्फाबेट। तो 26 टोकरी में अल्फाबेट थे, लेकिन मिला मिला के हमने जंबल वर्ड बना दिए। सो देयर आर लैक्स ऑफ कंपाउंड, जो कि हमें पता है, और तो और भी होंगे। ठीक है, बात हो गई। अब देखिए, एलिमेंट में उसके एटम्स की प्रॉपर्टी होगी, जबकि कंपाउंड में उसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी होगी क्या? नहीं होगी। सो एलिमेंट कंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एटम, या उसकी जो ग्रॉस प्रॉपर्टी है उसके एटम्स की, वो एलिमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। द ग्रॉस प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, जैसे कि अगर आप वहां जाती हैं डॉक्टर के यहाँ, और वो कहेगा ठीक है तबीयत खराब है, एक ड्रॉप ब्लड छोड़ के चली जाओ, एक ड्रॉप ब्लड है, उसी को देखेगा कि क्या है, कहेगा तुम कल आना चलाना, अपनी मम्मी को भेज देना, किसी को भेज देना, वो दवा ले जाएंगे। अब फिर नहीं बुलाएगा, उस ब्लड में मालूम है उसको कि तुम्हारे अंदर क्या गलत है, क्योंकि जो आपके अंदर की डिसीज है वो ग्रॉस प्रॉपर्टी ऑफ सेल है, सेल में मौजूद है डिटेल कि तुम्हारे अंदर क्या कम है। समझ में आ गई बात नहीं? सो एलिमेंट में क्या है, क्या वो उसके एटम में मौजूद है? तो हाँ है। सो इट द ग्रॉस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय, कौन एक्सप्रेस करता है? एलिमेंट। अगर कोई चीज बहुत हॉट है तो उसके एटम्स बहुत तेज भाग रहे होंगे, तभी तो वो हॉट है। तो थर्मल प्रॉपर्टी किसकी वजह से, उसके ग्रॉस प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एटम्स की एनर्जी, उन्हीं को मिला दो तो उसका टेम्परेचर आ जाए। जबकि इसमें क्या होता है कि कंपाउंड डज नॉट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, न तो जलता है न जलाता है, बल्कि आग बुझाता है। सो कंपाउंड डज नॉट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, अब जरा देखें
इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इसका एग्जांपल हो सकता है एलिमेंट का H2 हो सकता है, O2, कॉपर भी हो सकता है, जबकि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? H2O, CO2, C6, H12. ओके, इतनी बात हो गई. अब जरा देखें, कौन कौन से तरीके के? प्योर सब्सटेंस और दूसरा अदर इज मिक्सचर. सो मिक्सचर क्या चीज है? व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस आर इंटरमिक्स्ड, उनको मिक्स कर दिया जाए, मिक्स्ड इन वेरिंग कंपोजिशन. जितनी मर्जी उतनी चीनी डाल दो, यहां कोई फिक्स्ड नहीं है कि 1:3 रहेगा. ज्यादा चीनी डाल दो, कम चीनी डाल दो, ठीक है? इन वेरिंग कंपोजिशन देन they form mixture. तो मिक्सचर में कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, जैसे H2O इन सबको मिलाया तो ये केमिकल बॉन्ड है, या कोई केमिकल बॉन्ड ही नहीं, ठीक है? अब क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर इफ ग्लूकोज इज मिक्स्ड विद वाटर, देन जो सीरप बनेगा इस मिक्सचर है कि नहीं. और एग्जांपल क्या हुआ, क्या सॉल्ट वाटर एक मिक्सचर हुआ? और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है क्या वे भी मिक्सचर हुए? सॉफ्ट ड्रिंक्स इसके अलावा मिक्सचर में एयर आ गई, एयर में बहुत सारी गैसें हैं, एयर भी हो गई, सॉइल भी तो एक मिक्सचर है, उसमें ना जाने कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, सॉइल भी एक मिक्सचर, ठीक है? सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर. सीमेंट में भी बहुत सारी चीज है, सीमेंट भी एक मिक्सचर. तो व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर की खासियत क्या है? इट कंटेन्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट. जो जो डालोगे सब चीज, अगर टेस्ट कर सकते हो तो टेस्ट करो, नहीं तो वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी. जो चीज आप बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो सीमेंट में वो सब चीजें होंगी. तो इट कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज बहुत सारी प्रॉपर्टीज, इट कंटेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. इट कंटेन्स होगा क्योंकि इट इसके लिए आया है, जो इमीडिएट सब्जेक्ट है उसके आधार पर. इट कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ये बात, ठीक है? तो अभी हमने आज केमिस्ट्री में इतना ही रखा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं दे रहे हैं, उसके और में बच्चे हैं, ठीक है? अब हम मैथ करते हैं, ठीक है?